हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, फिगर बनाएंगे। ये क्या है? अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में आप इसे खूब जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पोल है, और ये सी यानी कि वक्रता केंद्र है और फोकस है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज़ पिछले लेक्चर को जरूर देखें। देखिए, यहाँ पर कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं जिसकी हाइट h है, ठीक है? लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट क्या है? h है। अब यहाँ से कोई किरण चलेगी इस तरह से, देखिए, और टकराएगी कहाँ पर? पोल पर टकराएगी, देखिए इस तरह से, और उसके बाद टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे आपतित किरण कहेंगे और इसे परावर्तित किरण, ठीक है? आप ये सारी चीजें हम लोगों को पता है, ये एंगल क्या होगा? आई होगा, और ये एंगल क्या होगा? आर होगा, है ना? ये सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसको, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। किस नियम से होते हैं ये? परावर्तन के नियम से। अब मान लेते हैं हम लोग, देखिए यहां से एक किरण चलती है इस तरह से, ठीक है, और ये फोकस से होकर जाएगी, देखिए इस तरह से, देखिए इतना हम लोगों ने बढ़ा लिया, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ठीक है? अब ये जो पॉइंट यहां पर काट रही है लाइट, यहीं पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा हम लोगों का। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए यहां से एक लाइट चली जिसे हम लोग इंसिडेंट रे कह रहे हैं, यानी कि आपतित किरण कह रहे हैं। आपतित किरण देखिए पोल पर टकराई, आपतित किरण देखिए पोल पर टकराई, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ गई, और इस किरण को क्या कह रहे हैं हम लोग? परावर्तित किरण कह रहे हैं। तो इस एंगल को आपतन कोण कह रहे हैं और इसे परावर्तन कोण कह रहे हैं, ठीक है? तो इतना आप समझ गएंगे। देखिए ये किरण जो चलेगी आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज पिछले लेक्चर को जरूर देखें। यहां से लाइट जो चलेगी फोकस से होकर जाएगी। देखिए आप ट्राइंगल देख पा रहे होंगे, ये वाला एक जो डार्क लाइन बनी है उसे आप देखिए, ये वाला, इसे नाम दे देते हैं, देखिए इसे ए बी कह रहे हैं, ए और बी, ठीक है? और ये इसे क्या कह रहे हैं? ए डैश, और ये क्या है? बी डैश, ठीक है? या इसे बी डैश कह रहे हैं, और इसे ए डैश कह रहे हैं, ठीक है? ये बी डैश है और ये ए डैश है, इसे नाम दे दिया हम लोगों ने, और ये देखिए इसे कुछ ओ बोल दे रहे हैं। अब ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, देखिए क्यों? ताकि कंफ्यूज ना हम लोग, इसे मिटार दे रहे हैं। देखिए आप समझ जाएंगे अभी हम लोग मिटार क्यों हो रहे हैं इसे। देखिए अब आप अच्छे से ट्राइंगल देख पा रहे होंगे, ये देखिए ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल देखिए हम लोग बना ले रहे हैं सेपरेट, ताकि अच्छे से समझ सके ये वाला ट्राइंगल। ये क्या है? P है, और ये क्या है? A है, और ये B, ठीक है? और ये वाला ट्राइंगल देखिए A B P, या ये कह लीजिए A डैश P और B डैश। तो ये वाला ट्राइंगल भी बनाएंगे हम लोग इस तरह से, देखिए बना है, ठीक है? ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप, देखिए ये वाला A डैश P और B डैश, तो ये ट्राइंगल बना दिया हम लोगों ने, क्या है ये? B डैश है, और ये क्या है? ए डैश है, और ये पी है, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों ने बना लिया है। अब आप देखिए, अगर ये ट्राइंगल का कोण 90 डिग्री है, सम कोण है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, और ये वाला कोण भी क्या है? सम कोण है, 90 डिग्री है, ठीक है? ये कोण और ये कोण इक्वल है दोनों, और ये देखिए आई और आर इक्वल है, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या बराबर नहीं होंगे? देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है इस ट्राइंगल का, देखिए इसका आई है ना, ये आई है, और ये इसका आर है,
ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री पर है और ये वाला भी कितना है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं और ये इक्वल है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा। कैसे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यानी इनका योग 180 डिग्री बनेगा और इनका भी योग 180 डिग्री बनेगा। ये 90 है और ये आई है, और ये 90 है, ये भी आई ही तो है, ये आर और आई इक्वल है, देखिए आई और आर इक्वल है, तो इसे चाहे आई कह दीजिए चाहे आर कह दीजिए, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप एंगल, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं ना, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, इनके रेशियो, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल होगा रेशियो इनका, और ये वाला, ये वाले का रेशियो इक्वल होगा, और इसका रेशियो इक्वल होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि समरूप त्रिभुज किसे कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए और तीनों कोण देखिए इक्वल बन रहे हैं, दो तीनों कोण इक्वल हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वाली दूरी पी और बी दूरी क्या है, ये वाली दूरी यू है ये, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये क्या है, पी है और ये बी है, बी और ए, बी क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है यानी कि, और इसकी हाइट क्या है, एच। पी और बी यानी पोल और वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, यू कहते हैं ये। और ये क्या है, ये दूरी क्या है, वी है, वी है, और इस दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए पोल और इमेज के बीच की दूरी को वी कहते हैं, ठीक है, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी और बी के, बी डैश के बीच की दूरी क्या है, वी है। तो इतना समझ लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये वाला और ये वाले का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इससे देखिए हम लोग प्रतिबिंब की हाइट को क्या कह रहे हैं, एच डैश कह रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की हाइट है, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब की हाइट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनका इनका रेशियो इक्वल मान ले रहे हैं, ये क्या है, एच है ना, और ये क्या है, एच डैश है, और देखिए अब ये V है और ये U है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एच डैश अपॉन एच, ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे, V अपॉन U, ये आगे आएगा सिंपली, आप समझ गए। देखिए अब हम लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन पर ध्यान देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो सारी चीजें होती हैं उसे क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो एग्जिस्ट करता है उसे क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, तो यानी कि एच डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एच क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए वी क्या होगा, देखिए यू भी हम लोग क्या करते हैं, आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। अब आपतित किरण देखिए इस तरह से जा रही होगी, जैसे हम लोग ने मिटार दिया अभी, इस ओर जा रही थी, तो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखी है कि या नहीं, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे नेगेटिव लेंगे यू को, ठीक है। और देखिए प्रतिबिंब भी अपोजिट डायरेक्शन में, आपतित किरण इस ओर जा रही होगी और प्रतिबिंब किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ये भी, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एच डैश अपॉन एच आएगा और इक्वल टू वी बाई यू। अब जो जो चीजें हम लोग निकाल रहे होते हैं वो पॉजिटिव में ही हमें अच्छी लगती हैं, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे, क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वी बाई यू। ये हम लोगों का रिलेशन आ गया है। अब ये रिलेशन समझ गए किस तरह से आ रहा है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये रिलेशन समझ गए, इसे ही हम लोग आवर्धन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैंगे और सीखेंगे क्या किसे कह रहे थे, ठीक है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन नोट्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं,
लेंस व दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, लेंस व दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि रेखीय आवर्धन को मापने के लिए इसका कोई भी मात्रक नहीं है और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए और देखते हैं, इनका साइन कन्वेंशन एक बार देख लेते हैं। जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, ठीक है, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम टाइम पे और उससे पहले भी अच्छे तरह से रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर सकें। ठीक है, देखिए एम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है रेखीय आवर्धन का, जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट पहले निकाला है। एम इक्वल टू, एम क्या होता है, रेखीय आवर्धन, तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश हम लोग ने देखा था अभी कि क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और एच क्या होता है, वस्तु की लंबाई होती है, और इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। और ये देखिए एच डैश अपॉन एच क्या होता है, एम होता है, तो हम लोगों ने इसको इक्वल में एम लिख दिया। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बार देख लें इसे, एम इक्वल टू क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है, और एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई होती है, एच क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू वस्तु की दूरी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट्स बहुत ही ईजी हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है इसे, आप इसे अच्छे से एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एक बार आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और हम लोग आने वाले लेक्चर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं सिर्फ इसी पर। आने वाले लेक्चर में हम लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू। प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू।